नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में। मैं सामने आ रहा, आइए आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराती हूँ। हलिया द्वितीय क्रय केंद्र प्रभारी क्षेत्र बंद करके रहते हैं लापता, किसानों को होती है परेशानी। जी हाँ, खबर ये है कि किसानों की समस्या का नहीं हो पाता है समाधान, क्रय केंद्र प्रभारी कुर्सी छोड़कर रहते हैं फरार। मिर्जापुर से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज के ब्लॉक हलिया अंतर्गत हलिया द्वितीय क्रय केंद्र प्रभारी कमयेंद्र सिंह सचान की काफी घोर लापरवाही देखी जा रही है। हमारी मीडिया टीम जब भी उनके केंद्र पर पहुंचती है तो केंद्र प्रभारी शटर बंद करके फरार हो जाते हैं और किसानों की भीड़ लगी रहती है। किसान परेशान रहते हैं उनसे मिलने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए, लेकिन केंद्र प्रभारी से मुलाकात नहीं हो पाती है। फोन लगाने पर स्विच ऑफ बताती है। सरकार की मंशा है कि सभी किसानों की समस्याओं को तत्काल सुना जाए और समाधान किया जाए, लेकिन केंद्र प्रभारी के उपस्थित ना होने पर किसान काफी दिक्कतों का सामना कर रहा है। किसानों का धान बिक्री ना होने के कारण किसान निराश हो रहे हैं और सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार सिर्फ केंद्र प्रभारी ही हो सकते हैं। इनकी वजह से सरकार के ऊपर धब्बा किसानों के द्वारा लगाया जा रहा है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि एक बार जिसका धान खरीद लिया गया, दोबारा केंद्र प्रभारियों द्वारा नहीं लिया जा रहा। सरकार द्वारा कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन के चलते किसान काफी परेशान है। किसानों की काफी मात्रा में अभी धान नहीं बिक पाई है। अगर सरकार किसानों की धान नहीं खरीद पाती है तो आने वाले आगामी चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। आइए देखते हैं यह बड़ी खबर। ये क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या यह है कि 31 तारीख को जब दोबारा टोकन चालू हुआ जी, तो टोकन हमने 31 तारीख को निकाला जी, और 31 तारीख को यहाँ पर आया, हमारी तौल नहीं हुई जी। अब जो है कि हम चले गए यहाँ जी, धान वापस लेकर चले गए जी। उसके बाद एसएमआई साहब से मिले, कहें टोकन कैंसिल हो गया, चलिए टोकन बंद होने वाला है, जब हम आपका एडजस्ट कर देंगे जी। और तब से आज तक 7 तारीख को टोकन भी बंद हो गया और हम डेली आ रहे हैं गोदाम पर, चक्कर काट रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। तो सरकार तो बोल रही है कि जो टोकन कैंसिल हुआ है उनको प्रथम वरीयता दिया जाए। अरे प्रथम वरीयता दिया जाए तो आज 10 दिन हो गया, 12 दिन जो है कि कहाँ सुनवाई हो रही है जी। अगर वरीयता होती वहाँ पे लिस्ट में चस्पा कर दिए हैं कि यदि किसी कारण बस तौल नहीं हो सकी तो उसके केंद्र प्रभारी जिम्मेदार होंगे। कौन क्रय केंद्र का नाम बताइए? कर्मेंद्र सिंह सचान, हलिया द्वितीय। हलिया द्वितीय का मैटर है? हाँ, हलिया द्वितीय। तो क्या बोलते हैं? कहते हैं कि चलिए कर देंगे। अभी कल भी आए तो यही बोले, परसों भी आए तो यही बोले, कहा चले और अगले हफ्ता में। हम कहे ठीक है अगले हफ्ता में, और ना उसका प्रिंट आउट रखे हैं हम अपने पास, देकर जाएंगे फिर जिला अधिकारी के पास, किसी के पास, चाहे डिप्टी साहब के पास जाएंगे, चाहे डीएम के पास जी। अब धान बेचना है तो कुछ ना कुछ करना करना पड़ेगा ठीक है।